बच्चों की तालीम और तरबियत सिर्फ असातिज़ा की जिम्मेदारी ही नहीं, इस सिलसिले में वालदैन और मुआशरे का किरदार भी इंतहाई अहम है। लिहाजा वालदैन और मुआशरे के जिम्मेदार अफराद को भी स्कूल की तरबियती सरगर्मियों में शामिल करना जरूरी है। इन एक्टिविटीज के जरिए वालदैन को बच्चों के रुझानात और सलाहियतों का अंदाजा होता है और वो अपने बच्चों के लिए मुस्बत और तामीरी मशागल का बंदोबस्त कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि वालदैन और बच्चे किस तरह इस एक्टिविटी में शामिल हैं, एक दूसरे की मुआवनत कर रहे हैं और खेल ही खेल में ये तरबियती सेशन जारी है। बच्चों में मुआशरती जिंदगी का शऊर बेदार करने के लिए उन्हें स्पेशल डेज मनाने की तरबियत भी दी जा सकती है। जैसा कि मदर्स डे, जिसमें बच्चे खुद अपनी माओं के लिए गिफ्ट तैयार कर सकते हैं। और इस तरह की सरगर्मियों में भी वालदैन की शमूलियत लाजमी है ताकि बच्चे एक्टिविटी में पूरी तरह दिलचस्पी लें। मुख्तलिफ मुल्की और माशरती मसाइल के बारे में शऊर की बेदारी के लिए बच्चों के लिए वॉक का इंतजाम किया जा सकता है, जैसा कि आलूदगी से मुतल्लिक वॉक, जिसमें बच्चे, वालदैन और टीचर मिलकर हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा कम्युनिटी के बाकी अफराद को भी इस तरह की सरगर्मियों में बच्चों की मुआवनत और रहनुमाई करनी चाहिए ताकि इस तरह के मसाइल से मुतल्लिक बच्चों को बचपन ही में शऊर दिया जाए और बच्चों के साथ साथ मुआशरे में अमूमी तौर पर भी शऊर उजागर किया जाए। असातिज़ा और वालदैन के अलावा कम्युनिटी के जिम्मेदार लोग और प्रोफेशनल्स को भी बच्चों की तरबियत में शामिल किया जाना जरूरी है ताकि बच्चे मुआशरे और मुख्तलिफ अहम पेशों के बारे में जानें और मुआशरे के फर्द के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां भी पहचानें। आप देख सकते हैं कि एक डॉक्टर क्लासरूम के माहौल में बच्चों को अपने पेशे के मुतल्लिक बता रही हैं। इस तरह बच्चे डॉक्टर और डॉक्टर के पेशे के बारे में बेहतर तौर पर जान सकेंगे। इसके अलावा डॉक्टर बच्चों को सेहत से मुतल्लिक मुख्तलिफ मुफीद मशवरे भी दे सकते हैं। अच्छा, पता क्या होता है, जब हम चीज़ और चॉकलेट खाते हैं ना, अब वो दांतों पर स्टिक होके वो बैक्टीरिया के लिए हाउस बना देते हैं। उसमें बहुत ज्यादा बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करके ना बैक्टीरिया के बेबीज बैक्टीरिया आ जाते हैं और वो क्या करते हैं कि दांतों को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। हमें नीचे की तरफ ब्रश करना है और नीचे को ऊपर की तरफ, ठीक है। फायर फाइटर अपनी जिम्मेदारियाँ कैसे निभाते हैं? ये फायर फाइटर बच्चों को खुद बता रहे हैं और दिखा भी रहे हैं। हंगामी सूरत हाल में क्या किया जाए, इससे मुतल्लिक जरूरी मालूमात भी दी जा सकती है।
सिक्योरिटी की गर्ज से अपने इर्द गिर्द नजर रखने और होशियार रहने से मुतल्लिक सिक्योरिटी अहलकार बच्चों को जरूरी मशवरे दे सकते हैं। इस तरह कम्युनिटी के जिम्मेदार अफराद की शमूलियत से बच्चों में माशरे की बेहतर समझ एक मौसर अंदाज से फरोग पा सकती है। अच्छा बच्चों, आज सिक्योरिटी के हवाले से मैं आपको कुछ आगाह करना चाहता हूँ। जैसे अगर रोड आप क्रॉस करते हैं, दाएं बाएं वगैरह जरूर देख लेकर, रास्ते में कोई आदमी कुछ भी देता है तो नहीं खाने, ठीक है। एक कामयाब माशरे की तामीर के लिए जरूरी है बच्चों की हमाजहती और बामानी तालीम और तरबियत, और इसके लिए लाजमी है असातिज़ा के साथ वालदैन और जिम्मेदार अफराद मुआशरा की शमूलियत और भरपूर तआवुन। इसी तौर बच्चे बनेंगे कामयाब इंसान और एक कामयाब मुआशरे के मेमार।